भाई मुझे पता है आप लोग गूगल अपडेट के बारे में बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे हाँ, लेकिन अभी भी मन में थोड़ा सा खलबली होगा कि क्या होने वाला है। यहां पे मैं आपको एकदम अल्टीमेट, एकदम शून्य से लेके 100 तक, इतना बड़ा तक वाला सब कुछ मिलेगा आपको। और मैं बता रहा हूं, ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो गूगल अपडेट को भूल जाएंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है किसी की वीडियो। थोड़ा फास्ट बोल गया ना, लेकिन अब आराम से बोलेंगे। देखिए, यहां पे आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है डेटा, यहाँ पे मैंने पूरा समराइज कर दिया है। हर एक चीज मैंने खंगाला है, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे कंटेंट मैंने कंज्यूम किया, देन ये पूरा चार्ट बनाया है। और ये चार्ट बहुत ही डिटेल है, हवा हवाई वाली बातें नहीं होंगी, ये आप सभी जानते हैं। तो इस अपडेट का जो नाम है वो कोर अपडेट क्यों है, क्योंकि इसमें जो गूगल की कोर एल्गोरिथम होती है, जो मेन जो सर्च रैंकिंग एल्गोरिथम होती है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं। यानी जो सर्प है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उस पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है, इसलिए इसको कहा जाता है कोर अपडेट। अब इसमें इस बार गूगल ने कई सारे मेजर अपडेट इंक्लूड किए हैं, इसलिए इसको एक कॉम्प्लेक्स कोर अपडेट का नाम दिया गया है। और इसको पूरा होने में, ये 5 मार्च को रोल आउट हुआ है, इसको पूरा होने में 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगेगा, ये खुद कंफर्म किया है जो इनके सर्च के टीम से हैं, जॉन मुलर, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। उन्होंने कंफर्म किया है कि 1 महीने से ज्यादा तक का टाइम लग सकता है इसको कंप्लीट रोल आउट होने में। अब जान लेते हैं जो गूगल का ये अपडेट आया है, इसके रीजंस क्या है, मतलब ये क्यों गूगल ने लाया है और क्या ये इंप्रूव करना चाह रहा है। तो गूगल ने दो बड़े रीजंस दिए हैं। पहला रीजन है कि ये अपने रैंकिंग को इंप्रूव करेंगे, यानी इनके रैंकिंग में बहुत सारे ऐसे कंटेंट आ जा रहे हैं जो कि सर्च को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसमें वैल्यू नहीं है लेकिन वो रैंक कर पा रहे हैं। तो ऐसे कंटेंट को वो हटाएगा और बेटर कंटेंट को रैंकिंग में लाएगा। दूसरा, इन्होंने अपना एक नया स्पैम पॉलिसी लाया, जो इनकी कंटेंट इस लाइक ए पॉलिसी है उसको अपग्रेड किया है। जो कंटेंट स्पैम पॉलिसी है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। तो ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये अपडेट आया है। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल सर्च पे, यानी सर्प पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। जो एलिजाबेथ टकर हैं, गूगल सर्च के ये डायरेक्टर हैं, इन्होंने कहा है कि ओवरऑल 40% रिजल्ट हट जाएंगे जो अनहेल्पफुल कंटेंट हैं गूगल सर्प से, यानी गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज से 40% कंटेंट हट जाएंगे। तो इसका इंपैक्ट बहुत ह्यूज होने वाला है, इसलिए इसके बारे में बात भी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा जो आपको, जो नए लोग हैं उनके दिमाग में ऐसा डाला जा रहा है कि जीवन में इससे पहले कभी अपडेट आया ही नहीं है। भाई गूगल के कई सारे अपडेट आते हैं, मैं फेंक नहीं रहा हूं, मेरे पास डेटा है, मैं आपको दिखाता हूं। गूगल अपडेट हिस्ट्री का ये डेटा है, ये सीट भी अगर आप कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा। तो यहां पे देखेंगे, ये अपडेट अभी जो चल रहा है 2024 में, अभी मार्च में जो आया है, देखिए दो अपडेट है इसमें, एक कोर अपडेट जिसे हेल्पफुल कंटेंट अपडेट भी कहते हैं, और एक स्पैम अपडेट। अभी इसका ड्यूरेशन, अभी इसका कंफर्म नहीं हुआ है, अभी ड्यूरेशन ये कितना टाइम लेगा ये यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगा तो मेंशन हो जाएगा। तो ये दो अपडेट चल रहे हैं। 2023 की बात करते हैं, 2023 में देखेंगे, नवंबर को आया था रिव्यू अपडेट, 8 नवंबर को आया था, 29 दिन तक ये रोल आउट होता रहा। उसके बाद यहां पर देखेंगे नवंबर में ही आया था कोर अपडेट, जो कि 2 नवंबर को आया था, 25 दिन तक चला था ये। उसके बाद फिर अक्टूबर में आया था कोर अपडेट, यानी अभी एक कोर अपडेट आप देख रहे हो। यहां पे देखेंगे नवंबर में आया, अक्टूबर में भी आया, नवंबर में भी आया, ये 13 दिन तक चला था। उसके बाद यहां पे देखेंगे 5 अक्टूबर को आया था रैंकिंग एक्सपीरियंस ऑन गोइंग इशू, 26 डे तक ये रोल आउट होता रहा। उसके बाद देखेंगे अक्टूबर में ही फिर आया था स्पैम अपडेट, यानी अक्टूबर में ही 3 अपडेट आ गए, कोर अपडेट, स्पैम अपडेट, रैंकिंग एक्सपीरियंस अपडेट, 3 अपडेट आ गए थे पिछले साल। इसके बाद यहाँ पे हेल्पफुल कंटेंट अपडेट सितंबर में आया था, 14 सितंबर को, 13 दिन चला था। फिर अगस्त में फिर कोर अपडेट आया था, अगस्त में। उसके बाद अप्रैल में रिव्यू अपडेट आया था, फिर मार्च में कोर अपडेट आया था। तो यानी अभी जो कोर अपडेट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 4 कोर अपडेट पिछले साल आ चुके हैं, और एक हेल्पफुल कॉन्टेंट अपडेट अलग से, स्पैम अपडेट अलग से। तो ये सारे अभी आने बाकी हैं, तो इतना पूरा साल। तो जो लोग डर रहे हैं, तो देखिए ये सारे पिछले साल, अगर आप पिछले साल से ब्लॉगिंग में हो तो ये सारे अपडेट्स पिछले साल भी आए थे, तो आपको डरने की बात नहीं है। डर क्यों रहे हैं उसका भी मैं खुलासा करूंगा, उसका सलूशन के साथ मैं खुलासा करूंगा ऐसा क्या हो रहा है। अब 22 में जाएंगे तो ये भी देख सकते हैं, 21 में देख सकते हैं। तो ये डेटा मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप चेकआउट कर सकते हो, गूगल के अपडेट्स कब कब आए हैं, और इससे आप एक लाइक प्रिडिक्शन भी लगा सकते हो किस मंथ में अपडेट आते हैं। तो मंथ ऑलरेडी गूगल के बहुत बार डिसाइडेड होते हैं,
बट कई बार ऐसा होता है कि वो जल्दी जल्दी अपडेट भी आ जाते हैं, कोई क्लियर नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल कोर अपडेट जो मार्च में आया है, इसके लाइक किस तरह के साइट्स पे इनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या असर होने वाला है, ये तो गूगल के जो अपडेट हैं उनके तीन मेजर कैटेगरीज हैं जिन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो पहला कैटेगरी है स्केल कंटेंट अब्यूज, दूसरा कैटेगरी है एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज, तीसरा कैटेगरी है साइट रेपुटेशन अब्यूज। ये तीन मेजर अपडेट्स हैं और इनके अंदर जो भी वेबसाइट या ब्लॉग आए हैं उनके कंटेंट पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, उनके डोमेन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, उनके लिए बड़ी बुरी हालत रही है। तो जैसे अगर बात करें स्केल कंटेंट का, तो जाहिर सी बात है कंटेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे कंटेंट जो एआई जनरेटेड होते हैं और वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ऐसे कंटेंट को सर से रिमूव किया जाएगा और ये सारे कंटेंट हट जाएंगे। दूसरे के फीड से, यानी अगर आप किसी दूसरे के फीड से, ऐसे लोग जो दूसरे के फीड से कंटेंट को कॉपी करते हैं, उन्हें ट्रांसलेट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कंटेंट को भी रिमूव किया जाएगा। ऐसे लोग जो अलग अलग एक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग पेजेस से कंटेंट उठाकर एक ब्लॉग बनाते हैं, उनको भी रिमूव किया जाएगा। अगर कोई कंटेंट ऐसा है जिसमें कोई सेंस नहीं है, भले ही उसे एआई ने लिखा हो या ह्यूमन ने लिखा हो, कुछ भी किया हो, अगर उस कंटेंट का कोई पर्पस नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, तो ऐसे कंटेंट को भी रिमूव किया जाएगा। किसी दूसरे के कंटेंट को अगर किसी ने कॉपी किया है, उसको स्पिन किया है, फिर चेंज किया है, तो उसको भी रिमूव किया जाएगा। यानी सिंपल शब्दों में अगर बात करें भाई, जो ओरिजिनल अच्छा हाई क्वालिटी का वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है, वो सारे कंटेंट सर से रिमूव होंगे। इतना शॉर्ट शब्दों में अगर मैं कहूं तो। सेकंड है जो एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज। अब इसको बहुत ही क्लियर समझना जरूरी है, क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज का मतलब बहुत सारे लोग ये मान लेंगे कि यार अब एक्सपायर्ड डोमेन पे काम ही नहीं कर सकते, ये तो गूगल ने इसे हटा देगा। नहीं, गूगल ने इसमें क्लियर मेंशन किया है। अगर मैंने इसे यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर लिया, सार निकाल लिया है, अगर आप जाएंगे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ऐसे एक्सपायर्ड डोमेन जो कि गलत कर रहे हैं, यानी सर्च को मैनिपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने कोई योजना का डोमेन गवर्नमेंट का बाई किया जो एक्सपायर्ड हो गया था, उसको रिडायरेक्ट कर दिया किसी टैक्स साइट पे, किसी अदर साइट पे, किसी ट्रेवल साइट पे, इंश्योरेंस साइट पे, और आप उसका वैल्यू उसमें इस्तेमाल कर रहे हो, उसे ट्रैफिक ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो ऐसे डोमेन के साथ भी गूगल एक्शन लेगा। और दूसरा, अगर आप कोई एक्सपायर्ड डोमेन बाय करते हो और उसका इस्तेमाल केवल ट्रैफिक के लिए करते हो, चूंकि उसमें ऑलरेडी ट्रैफिक होते हैं, तो आप कुछ भी कंटेंट डाल के उससे ट्रैफिक ले रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, उसमें उस कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो ऐसे एक्सपायर्ड डोमेन के साथ भी गूगल एक्शन लेगा, उन्हें भी सर से रिमूव करेगा। और बाकी के जो जेन्युइन है वो तो नहीं है, और बाकी अगर बात करें तो एक्सपायर्ड डोमेन को जज करना इतना आसान नहीं है, और जो इसमें एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा बेटर जानते हैं। मैंने ऑलरेडी जो लाइक कुशल भैया का मैंने वीडियो देखा था, चूंकि वो एक्सपायर्ड डोमेन में एक्सपर्ट हैं, तो वो ज़्यादा बेटर जानते हैं, और उन्होंने सजेस्ट किया कि इतना आसान नहीं है, बट हाँ कुछ कैटेगरीज को डेफिनेटली गूगल इम्पैक्ट करेगा एक्सपायर्ड डोमेन में। अब जो तीसरा है, ये आम ब्लॉगर के लिए तो मैं नहीं कह सकता, ये आम ब्लॉगर के लिए नहीं है, साइट रेपुटेशन अब्यूज। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े साइट्स हैं जो क्या करते हैं, लो वैल्यू कंटेंट डाल के अपने रेपुटेशन का गलत इस्तेमाल कहते हैं, अगर सीधे शब्दों में कहें कि वो लो वैल्यू कंटेंट डालते हैं और उस कंटेंट का बेनिफिट लेते हैं अपने साइट के रेपुटेशन के हिसाब से। अब इसको आसान शब्दों में मैं समझा दूं ना, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो कि टॉप वेबसाइट हैं, हाई अथॉरिटी है, हाई DADR सब कुछ है, रेपुटेशन बहुत अच्छा है, वो लोग क्या करते हैं अफिलिएट से अर्न करने के चक्कर में ऐसे जो हाई सेलिंग अफिलिएट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, खासकर मैंने देखा है हेल्थ वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो उनको रिव्यू उनमें लिखते हैं और टॉप पे रैंक कर जाते हैं, फिर उनसे उनका बेनिफिट उठाते हैं, जो कि गूगल के लिए वो कंटेंट हेल्पफुल नहीं होगा। तो इसलिए गूगल ऐसे साइट को भी गलत तरीके से कंटेंट का इस्तेमाल करने पर रोक लगाएगा, और इसके लिए इन्होंने टाइम दिया है कि आप इस तरह के कंटेंट अपने साइट से हटा दें, वरना इसका निगेटिव इंपैक्ट साइट पे पड़ेगा। तो ये तीन मेजर अपडेट हैं, ये तीन अपडेट आए हैं, और इसका मैं अगर बात करूं तो आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो आपको निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा, बट आपका कंटेंट अगर अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली निगेटिव इंपैक्ट पड़ा होगा। ऑलरेडी मैं हमेशा चैनल पे बोलता रहता हूँ, मेरे को आज तक साला कोई मेरे वीडियो दिखा दे कोई मेरे चैनल पे कि मैंने किसी को कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाने के बारे में बताया है, मेरे को कमेंट करके ऐसा बोलते हैं कॉपी पेस्ट बताते हो, मैंने कभी बताया ही नहीं है भाई। जो बता रहा है उनको जाके बोलो ना, मैं कितनों दिनों से बोल रहा हूं भाई आप नए हो, AI से नहीं कर सकते, AI चैट GPT का मत यूज करो, आप लोग मानते हो नहीं मानते हो।
अब बात आती है लाइक आपका साइट अगर चपेट में आ गया तो क्या करोगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, दिमाग खोल के सुनना। सबसे पहले आपको साइट डिलीट नहीं करनी है। बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे होंगे कि साइट डिलीट कर दो, ये बिल्कुल मत करना भाई, ये पहली बार नहीं है। अब मैंने आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाया, क्या आप साल में 4 बार साइट ही डिलीट करोगे? साइट डिलीट नहीं करनी है पहला। दूसरा रीजन आपको क्यों नहीं डिलीट करना है, देखिए अभी जो गूगल जॉन मुलर ने अभी आपको मैंने दिखाया कि कहा है कि 1 महीने तक रोल आउट होगा, तो जब तक रोल आउट हो रहा है तब तक आप शांत रहो। और साथ में क्या करो, साथ में आप करो कि जो अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है, लाइक आप सर्च इंजन राउंड टेबल ब्लॉग है, आप सर्च इंजन जर्नल है, सर्च इंजन लैंड है, मोज है, इन सब ब्लॉग पे नजर रखो, ट्विटर पे नजर रखो कि इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह के कंटेंट अप जा रहे हैं, किस तरह के कंटेंट डाउन जा रहे हैं। और पूरे मंथ आप नजर रखो और नोट करते रहो पॉइंट्स कि किस तरह के कंटेंट अप गए हैं, किस तरह के कंटेंट डाउन जा रहे हैं, कौन सी साइट अप गई है, कौन सी साइट डाउन गई है। ये पूरा डेटा शेयर करते रहेंगे ये लोग, केस स्टडी के साथ शेयर करते रहेंगे, उन पर नजर रखो, नोट डाउन करते रहो, फिर आप आगे चल के उसको इंप्लीमेंट करो। जो भी चीजें नई रिक्वायर्ड हैं उसको इंप्लीमेंट करो। गूगल अपडेट आने का ये मतलब नहीं होता कि आपकी साइट को खत्म कर दिया जाएगा। गूगल अपडेट आने का मतलब होता है कि आपको साइट को नीड है अपडेट करने की, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, तो वो चेंजेस आपको लाना पड़ेगा। वो चेंजेस आप करोगे आपको रिकवरी मिलेगा। और दूसरा तरीका काफी फनी तरीका है लेकिन आपको मजा आएगा कि आपकी साइट अगर चपेट में आ गई तो क्या करें। देखिए इसके बारे में मैंने एक लोगों के साथ इंटरव्यू किया, मैं इसके में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी ऐसे बंदे को बुलाया जाए जो इसके पास एक तरीका हो। तो समस्या क्या है मैं आपको बताता हूं। समस्या ये है कि गूगल जो है, ठीक है, अभी करंट टाइम में जो गूगल है, क्या अब हमारा सर्च से तो ट्रैफिक नहीं आ रहा तो क्या बचा? तो हमने इसके लिए, हमारे पास एक एक्सपर्ट हैं जिनके साथ हमने इंटरव्यू किया, हमने पूछा कि भाई अपडेट के बाद वो क्या कर रहे हैं, उनके साइट पर ट्रैफिक आ रहा है, वो पैसा कमा रहे हैं। तो उन्होंने जो बताया है, आप ये वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा, उन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया है। तो दूसरा तरीका उन्होंने काफी कमाल का बताया है। देखिए गूगल का अपडेट आ चुका है, लाखों लोगों की लंका लग चुकी है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने गूगल को भी पार पा लिया। तो मेरा सवाल अब आता है कि अभी आपका जो करंट टाइम में जो ब्लॉग चल रहा है उस पर मंथली कितना ट्रैफिक है? मंथली उस पर 5 लाख प्लस ही ट्रैफिक है मंथली। मंथली 5 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा ही ट्रैफिक है एक वेबसाइट। और अभी रिसेंट में जो मार्च का गूगल अपडेट आया जिसकी वजह से भाई लाखों लोगों की लंका लगी है, कितने लोगों का ट्रैफिक जीरो हो गया है, ये जो चैट जीपीटी ब्लॉगर थे कहाँ गायब हो गए पता नहीं चल रहा है, तो इससे आपके ब्लॉग पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं? नहीं, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, जैसा है वैसा ही है। क्या बात कर रहे हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा? कुछ भी नहीं, 0%। अरे बाप रे बाप, देख रहे हैं आप 0% का इम्पैक्ट पड़ा है इनके ब्लॉग पे। तो आप भाई मेरे को बस ये बता दो कि आप ट्रैफिक कैसे लेते हो? जो कुछ मेरा ट्रैफिक है तो वो सारा सोशल ट्रैफिक है, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो पूरा सोशल ट्रैफिक है। मतलब आप गूगल पे डिपेंडेंट नहीं है? आपका कहना है गूगल पे डिपेंडेंट नहीं हो? बिल्कुल नहीं, गूगल पे 0% डिपेंडेंट है। अरे तो आप समझ सकते हैं भाई, अगर आपको आज के समय में जीना है, ब्लॉगिंग करना है, तो गूगल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि गूगल कभी भी लंका लगा सकता है। रिसेंट में जो अपडेट आया है, डेटा मैं आपको दिखा दूं, तो उसमें मेन ऐसे लोगों को जो ट्रांसलेटेड कंटेंट लिखते थे, या फिर जो चैट जीपीटी एआई टूल का कंटेंट लिखते थे, या फिर जो ऐसे कंटेंट बनाते थे जो जिसमें वैल्यू नहीं है, वो सारे लोग चले गए। और इनके पास एक ऐसा तरीका है कि भाई गूगल तुम अपडेट लाते रहो, ट्रैफिक हम लाते रहेंगे। तो अगर आज के समय में सपोज जैसे मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और मेरे पास जीरो है, मेरे सोशल मीडिया पे जीरो है, मेरा नया ब्लॉग है, बिल्कुल नया ब्लॉग है, और मुझे ऐसा करना रहे तो कितना टाइम लगेगा और कैसे ये पॉसिबल है, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए। इसके बारे में दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो ऑप्शन है आप ऑर्गेनिकली, जब आपकी वेबसाइट चलता है या फिर कुछ भी चलता है तो वहाँ से जो ऑडियंस होती है उनको इकट्ठा कर लो, या फिर दूसरा है कि आप पैसे लगा के भी कर सकते हो, पेड प्रमोशन करो, लोगों को इकट्ठा कर लो, उसके बाद आपका काम कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं नया ब्लॉग बना रहा हूँ तो मेरे पास, जैसे मान लीजिए मैं अगर नया ब्लॉग बना रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन एक है कि मैं अच्छे कंटेंट पहले लिखूँ, ट्रैफिक ग्रो करूँ, उसके बाद उन ट्रैफिक को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में अपने सोशल मीडिया फॉलोअर के रूप में उनको ग्रैब करूँ, जैसे पुश नोटिफिकेशन टूल भी आज के समय में बहुत चले हैं, तो उसमें ग्रैब करूँ।
और या दूसरा तरीका जो आपने बताया प्रमोशन वाला, वो मैंने ट्राई नहीं किया, वो कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा बताओ। जैसे कि जो अपना सेम नीश होता है उनके तरफ से अगर आप प्रमोशन करोगे तो वहाँ पे जो लोग आएंगे आपके वेबसाइट पे वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। पुश नोटिफिकेशन हो गया, बटनाइजर से व्हाट्सअप पे हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे आप सोशल ट्रैफिक में वहाँ पे ज्वाइन करा सकते हो और उसके बाद वो लोगों को आर्टिकल शेयर करके आपका व्यूज तो आता ही रहेगा कंटिन्यू। और ये तरीका आप आजमा सकते हैं अगर आप चाहें, अगर अभी नहीं आजमा सकते हैं तो आप बाद में जब आपका ब्लॉग इस्तेमाल लाइक सर्च में आने लगे तब आजमा सकते हैं, ये तरीका आपका काम करेगा। तो ये दो सोल्यूशन है अगर आपका ब्लॉग चपेट में आ गया है, आपने ये तरीका भी देख लिया आपको पसंद आया होगा। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ, आपको काम करना बंद नहीं करना है, आपको काम करना है, अच्छे अच्छे कंटेंट अभी भी लिखने हैं, रेगुलर लिखते रहो। देखिए ये आप मान सकते हो आपकी परीक्षा है, परीक्षा देनी है, पास होना है, तो आपको अगर आप अपडेट से डर गए तो आप कभी ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे सर्च पे डिपेंड होके, ऑर्गेनिक सर्च पे, क्योंकि अपडेट इतने आएंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी मैंने डेटा भी दिखाया था। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।